शाहजहानाबाद पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए चंद घंटों में नकाबजनी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिन्हें आरोपी बेचने की फिराक में थे। फरियादी संदीप निवासी वाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 19-20 जुलाई की रात अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर LG कंपनी की वॉशिंग मशीन, Realme कंपनी की LED और एक गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। फरियाद की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। एक विशेष टीम का गठन किया गया और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सुनील बसौड़, देव कुमार, रवि डागौर और बसंत सूर्यवंशी इन चोरी में शामिल थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और चोरी किए गए सामान की बरामदगी हुई। उप निरीक्षक योगिता जैन ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। इसमें ये फरियादी हैं संदीप जी, ये अपने मलकी वाजपेयी नगर में रहते हैं, इंपीरियल होटल में ये वेटर का काम करते हैं। तो अभी 19 जुलाई के समय पे ये अपने होटल में काम पर थे, इनके घर पे इनके फैमिली वाले गए हुए थे अपने गाँव। तो इनके घर में जब इन्होंने आकर देखा तो घर में से घर के दरवाजे की कुंडी उंडी टूटी थी और इनकी एक वॉशिंग मशीन, LED सिलेंडर, ये सामान इनके घर से चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना शाहजहानाबाद में दर्ज कराई थी। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल आदि के कैमरे वगैरह देखे, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 4 आरोपी इन्हीं के पड़ोसी हैं, मलकी वाजपेयी नगर में रहते हैं और उनसे पुलिस ने मशरूम का जो भी है वो संपूर्ण मशरूम का जब्त कर लिया है। सभी आरोपी मलकी वाजपेयी नगर के रहने वाले हैं और क्या कहते हैं, सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। आरोपियों से लगभग 1 लाख रुपए का मशरूका पुलिस ने बरामद किया है। इसमें जो 2 आरोपी हैं, देवा और रवि, उनका एक एक अपराध है पुराना अपने थाने में मारपीट संबंधी।